धार्मिक स्थलों को खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो, हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोले, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। आज देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना इस तरीके से फैला हुआ है कि दुनिया में अमेरिका के बाद आज इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहां कई ऐसे भी राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, जहां अभी तक का धार्मिक स्थल खुले नहीं है, वहां पे आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बातें करके आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि लोगों की जान से ना खेलें, एक एक करके सारे धार्मिक स्थल और जो जो चीज खोलना है वो हम लोग विचार कर